मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और मैं स्मार्ट का चेयरमैन हूँ, एक ऐसी संस्था जो धंधे वाले को आगे बढ़ने पे मदद करती है पिछले 20 साल से। थोड़े दिन पहले हमने ये फ्राइडे का कैप्सूल लॉन्च किया था। मैंने कहा था कि हर फ्राइडे को मैं आऊँगा और आपको एक कैप्सूल दूंगा, एक BSC कैप्सूल दूंगा, बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल। बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं और एक एक चैलेंज को फेस करना हम सब के लिए पॉसिबल नहीं है, एंड देयरफॉर कभी ना कभी अपने दिमाग से हम लोग अपना सब प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो हम जैसे जो एडवाइजर्स है, कोचेज है, कंसल्टेंट्स है, गुरुज है, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, हमारे से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज का कैप्सूल है डियर एंटरप्रेन्योर डोंट फियर। आज का कैप्सूल का नाम है डियर एंटरप्रेन्योर डोंट फियर, एंटरप्रेन्योर को डरना मना है। माय डियर फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर का दूसरा नाम है रिस्क टेकिंग। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, एज एन एंटरप्रेन्योर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ते जाना चाहिए। इसका मतलब है कि आपने 26 में अगर धंधा चालू किया तो 30 में आपको वो करना है जो 26 में आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, 40 में आपको वो करना है जो 30 में करने को डर लगता था, 50 में आपको वो करना है जो 40 में आप डरते थे, 70 में आपको वो कदम लेने हैं जो 60 में घबराते थे, 80 में आपको वो काम करना है, वो कांड कर देना है जो 70 में घबराते थे करने से, सोच के ही रोंगटे खड़े हो जाते थे, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का दूसरा नाम है रिस्क टेकिंग। अब आदमी रिस्क क्यों नहीं लेता? क्योंकि जैसे जैसे आदमी का उम्र बढ़ता है, एम्प्लॉयज का कैसा होता है कि उम्र बढ़ते ही उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी, उनकी कर दिखाने की भावना कम होती है, और एंटरप्रेन्योर का रिस्क टेकिंग एबिलिटी बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि उसका तजुर्बा हमेशा नया रहता है, उसका एक्सपोजर बहुत बड़ा और उम्दा होता है, एंड देयरफॉर उसे नई नई चीज़ें करना ही चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फियर, डर। अपने से स्मार्टर आदमी लेने का डर, पब्लिक स्पीकिंग का डर, ब्रांच को एक्सपेंड करने का डर, नया प्रोडक्ट को लॉन्च करने का डर, नया टेक्नोलॉजी को लाने का डर, चैलेंजेस लेने का डर, विजन बनाने का डर, स्ट्रेटजी बनाने का डर, गोल बनाने का डर, गलत आदमियों को घर भेजने का डर, रिश्तेदारों के साथ आज काम कर रहा उनको गुड बाय बोलने का डर, हमें सांप से डर लगता है, हमें पानी से डर लगता है, हमें कांच से डर लगता है, हमें फ्यूचर से डर लगता है। ये डर के मारे बहुत सारे आदमी लोग बहुत सारे चीज़ें अचीव नहीं कर पाते हैं। और इस दुनिया में अगर आप एलोन मस्क को देखेंगे, वो बोलता है मैं मार्स में जाऊंगा और अगर मर गया तो वापस नहीं आऊंगा, अगर जी गया तो तुम लोगों को भी लेके जाऊंगा। इसका मतलब है जो आदमी आगे बढ़ने के लिए मौत को भी गले लगाने के लिए रेडी है, वही ट्रू एंटरप्रेन्योर होता है। और 99% जो होता है, 99% 99.99% जिन चीजों से आप डरते हैं वो कभी होता नहीं है। क्योंकि व्हाट इज फियर, FEAR, फियर, FEAR यानी कि डर। फियर का मतलब है फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल, FEAR, फॉल्स एविडेंस अपियरिंग रियल। F का मतलब है फॉल्स, E का मतलब है एविडेंस, A का मतलब है अपियरिंग रियल। आपको एविडेंस नहीं है कि ये होगा, लेकिन आपको लगता है इट अपियर्स रियल। जैसे अगर आप एक पायलट है और मैं एक टेररिस्ट हूं और मैंने आपका कॉकपिट में एंटर करके मैंने रुमाल के अंदर एक साबुन रख दिया और मैं बोलता हूं कैप्टन डिकोस्टा आई हैव अ बॉम्ब, ले चलो मेरे को अफगानिस्तान, 99.99% कैप्टन डिकोस्टा जो है वो हमें अफगानिस्तान उड़ा के लेके जाएगा। लेकिन जो मैंने उसको दिखाया था, वो जो एविडेंस था वो फॉल्स था, वो तो खाली कपड़ा था, रुमाल था, रुमाल के अंदर साबुन था, बट इट फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। कैप्टन डिकोस्टा को वो जो एविडेंस मैंने दिखाया था वो सच लग रहा था, इसके लिए वो लेके गया। लेकिन क्यों वो लेके गया? क्योंकि वो जान से डरता था। एंड देयरफॉर ये बात कैप्टन डिकोस्टा का तो छोड़ दो, हम धंधे वाले को डरना मना है क्योंकि डर के आगे जीत है। हमें नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते रहना है, कुछ प्रोडक्ट्स फेल होंगे, कुछ प्रोडक्ट सक्सेसफुल होंगे। हमें नए नए टाइप के लोगों को लेते रहना है,
कुछ लोग हमारे साथ चलेंगे, कुछ लोग हमारे साथ नहीं चलेंगे। हमें नए नए इन्वेस्टर्स को लाते रहना है। कुछ इन्वेस्टर्स हमारे को बुलंदियों पे पहुंचेंगे, कुछ इन्वेस्टर्स हमें तकलीफ देंगे। हमें नए नए मार्केट्स में जाते रहना चाहिए। कुछ मार्केट्स चलेंगे, कुछ मार्केट्स नहीं चलेंगे। हमें नए नए स्ट्रैटेजीज बनाते रहना चाहिए। कुछ स्ट्रैटेजीज चलेंगे, कुछ नहीं चलेंगे। तो जिस चीज का भी आपको डर लगता है, डेविड श्वार्ट्स जो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बोल के बहुत ही सुंदर बुक लिखा है, उन्होंने कहा जिस चीज से डर लगता है वो ही ज्यादा करो। अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो खड़े हो जाओ, जहां मौसम मिले, जहां मौका मिले खड़े होकर बात करो और बात करते रहो। आपको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जहां मौका मिले खड़े होकर बात कर लो। वो जो सुन रहा है उसको डर लगना चाहिए, क्योंकि आप बेकार बातें कर रहे हैं, आप खतरनाक बातें कर रहे हैं, उसकी फटनी चाहिए, उसको तकलीफ होना चाहिए। आप तो बिंदास बात करो ना, वो करेगा क्या आपको? वो क्या टमाटर फेंकेगा? खा लो। वो पत्थर मारेगा? खा लो। वो गाली देगा? खा लो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि वो टमाटर नहीं फेंकेगा, पत्थर नहीं फेंकेगा, गाली नहीं देगा, इस डर के मारे कि वो टमाटर फेंकेगा। आज तक आपने बात किया पब्लिक में, किसने टमाटर फेंका? एक तो खाली हिंदी पिक्चरों में, और पिक्चरों में हम देखते हैं कि लोगों ने स्टेज पे खड़े रहा और अंडे फेंके और ये किया। ऐसा रियल लाइफ में तो बहुत ही कम सिचुएशन होता है जब कोई अंडे फेंकता है, चप्पल मारता है, बहुत रेयरली होता है। आपका स्पीच अच्छा नहीं है तो लोग उठ के चले जाएंगे। लेकिन मैं तो 20 साल से बात कर रहा हूँ, 25 साल से बात कर रहा हूँ, मेरे को तो कोई अंडे नहीं फेंका। कई बार मेरा टॉक बराबर नहीं था, उसमें दम नहीं था, शायद उसमें गहराई नहीं थी, जिसको अच्छा नहीं लगा उठ के चला गया। लेकिन पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो ज्यादा पब्लिक स्पीकिंग करो। जिस चीज से डर लगता है वही ज्यादा करो। अगर मार्केट से एक्सपेंड करने को डर लगता है, चार और मार्केट में चले जाओ। अगर बंबई में बैठे हो, पुणे जाने में डर लगता है, चले जाओ। नागपुर में जाना डर लगता है, चले जाओ। अहमदाबाद जाने को डर लगता है, चले जाओ। राजकोट में जाना लगता है, चले जाओ। और एक बार आप 8-10 मार्केट में चले जाएंगे तो वो डर निकल जाएगा। जैसे मुझे याद है, बहुत साल पहले जब हमने एक लोन लिया था तो ईएमआई था 10,000 रुपया। तो हमें जब ले रहे थे तो डर लगा, पे करूंगा कि नहीं। लेकिन 6 महीना बराबर 10,000 रुपया पे करते तो हम तो बन गए बापू, हमें डर निकल गया 10,000 का। फिर हमारा ईएमआई 20,000 वाला हुआ तो तब डर लगा, 6 महीना भर दिया तो वो भी निकल गया। फिर हमें डर लगा 1,00,000 रुपया का, डर लगा महीने का देने का, जब हमने 6 महीना भर दिया तो वो भी डर निकल गया। इस तरह से जिंदगी में बड़े 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 रिस्क लेते रहना है, बड़े बड़े काम करते रहना है, नए नए मार्केट चालू करते रहना है, नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते रहना है, नए नए लोगों को लेते रहना है, मोर टैलेंटेड लोगों को लेते रहना है। और आपको जो डर है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल, आपने ले लिया 4 अपने से स्मार्टर आदमी को लेने का, बहुत जन को डर लगता है, 5 आदमी को ले लिया और देखा कि किसी ने आपको धोखा नहीं दिया, तो आप स्मार्ट आदमी को लेने का सिलसिला चालू कर देंगे। एंड देयरफॉर जिन चीज़ों से डर लगता है, डेविड श्वार्ट्स बोलता है, वो ही ज़्यादा करो। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो पब्लिक स्पीकिंग करो। कोई लड़की को जाके आई लव यू बोलने को डर लगता तो 4-5 लड़की लोग को आई लव यू बोल दो, मैक्सिमम क्या होगा? चप्पल मारेगी, इग्नोर करेगी, पुलिस में कंप्लेन करेगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होवे। एंड देयरफॉर 99.99% ऑफ द टाइम जो चीजों से हमें डर लगता है वो होता कभी नहीं है। जिन चीजों से आपको डर लगता है वो होता कभी नहीं है। लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं और जब मुड़ के देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि वो करने में डर लगा था, ये करने में डर लगा था, वो करने में डर लगा था, शादी से डर लग रहा था, शादी बढ़िया, बच्चे पैदा करने से डर लग, बच्चे बढ़िया निकल गए, कंपनी चालू करने से डर लगता, कंपनी बढ़िया हो गए, प्रोडक्ट लॉन्च करने से डर, प्रोडक्ट बढ़िया चल गया। तो इस तरह से जब भी आप कुछ करते हैं तो आप हमेशा उसमें अपना जान लगाएंगे, आप उसको फेल होने के लिए नहीं देंगे, आप उसको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, आप उसमें पूरी तरीके से अपना प्रज्ञा और विजडम को यूज़ करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। और फेल नहीं होगा तो आप डर पे जीत का एहसास महसूस करेंगे और लाइफ में आप आगे निकल जाएंगे। एंड देयरफॉर माय डियर फ्रेंड्स, वो भले इन्वेस्टर को लेने की बात हो, वे कोई भी चीज कंपनी में करने का हो, तो आपको डर लगने वाला ही है। एंड देयरफॉर लगातार वो कीजिए जिससे आपको डर लगता है और डर एक एक करके निकलता जाएगा। तो आप लिख लीजिए, एक काम कीजिए, एक पेपर निकालिए और आपको 150 कौन सा चीजों से डर लगता है लिखो।
आपको पानी से डर लगता है, आपको सांप से डर लगता है, आपको अपने से स्मार्टर आदमी को लेने का, आप 150 चीजें लिख लो और हर महीने में दो चीज को इनिशिएट कर दो। हर महीने में दो चीज को इनिशिएट करो। तो आज अगर नवंबर का महीना है, अगर अक्टूबर का महीना है, आपने दो चीज के ऊपर काम कर दिया, डर निकल गया, फिर अगले महीने में नवंबर में दो चीजों के ऊपर काम किया, डर निकल गया, अगले महीने दिसंबर में दो चीजों के ऊपर काम किया, स्लोली 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 आप देखेंगे कि 12 महीने में 24 चीजों के ऊपर आपने जीत हासिल कर दी। इस तरह से आपके माइंड को सिग्नल मिलता रहेगा कि हर वो चीज जिससे आप डरते थे वो कभी हुआ नहीं, एंड देयरफॉर आप फ्यूचर के लिए तैयार हो जाएंगे और फ्यूचर में बड़े रिस्क लेके बहुत बड़े पैमाने पे आप धंधे वाले बन सकते हैं। तो डियर एंटरप्रेन्योर, डोंट फियर। एंटरप्रेन्योर को डरना मना है, क्योंकि डर के आगे जीत है। यही आज का फ्राइडे का संदेश है। ये फ्राइडे बिजनेस सॉल्यूशन कैप्सूल में डर अच्छी बात है, डर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि डर लगता है इसका मतलब है कि उसमें कुछ है, वो करने के लिए अपने को कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। डर का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है। अब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे आदमी ने बोला मैं मून में जाएगा तो डर तो उसको भी लगा होगा, जैसे एलन मस्क बोलता मैं मार्स में जाएगा तो उसको भी डर लगता होगा। जिस चीज से डर लगता है, डर के काफी दरवाजे हैं, एक एक करके दो दो करके हर महीने में एक एक को तोड़ते रहो और आप पाएंगे अपने आप को फियरलेस। आप पाएंगे अपने आप को फियरलेस। तो कोई भी चीज करने के पहले, कोई भी चीज करने के पहले आपको, कोई भी बड़ा चीज जो अपनी औकात से बाहर है, ये बात समझ लो ना भाई, 10,000 का आदमी, मैंने 10,000 ले लिया तो 10,000 को आदमी को लेने के लिए कोई डर नहीं लगता, लेकिन 10,000 मैंने 10,000 के आदमी, 10,000 के 10,000 आदमी ले लिए तो मेरे को डर लगता है 1,00,000 रुपए का आदमी लेने के लिए। दो चार मैं ले लूंगा तो डर निकल जाएगा। एंड देयरफॉर हर वो चीज जिससे आप डरते हो उसको आप इनिशिएट कीजिए। इसका मतलब है कि डर कब लगता है, जब कोई भी चीज जो अपनी औकात के बाहर है, जब कोई भी चीज अपने सोच के बाहर है, जब कोई भी चीज का अपने को तजुर्बा नहीं है, बोल के अपने को डर लगता है। लेकिन तजुर्बा कोई भी चीज का तब आता है जब हम वो करेंगे। मुझे 1,00,000 रुपए का आदमी लेने का तजुर्बा नहीं है तो मुझे लगेगा, लेकिन अगर मैंने 4 ले लिया और चारों ने बढ़िया काम कर लिया तो मेरा वो 1,00,000 रुपए का आदमी लेने का डर निकल जाएगा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हर वो चीज वो करें जो हमारी औकात से बाहर है। सोचना जरूरी है कि कैसे करेंगे, और सब सोच के जब करेंगे, जब उतरेंगे तो बहुत सारी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्ट्रेस होगा, लेकिन वो एक पीरियड के लिए होगा। वो डर आपके साथ वो पीरियड रहेगा, एक बार वो चीज सेट हो गया वो डर निकल जाएगा। जैसे अपने को जब बुखार आता है तो क्या करते हैं, हम बैठे रहते हैं, 2 क्रोसिन मार दिया, अपने को मालूम है 3 दिन में जाएगा, तो 2 क्रोसिन मारे 3-3 घंटे में, अपने को मालूम है 3 दिन में जाएगा। हम थोड़ी ना उस बुखार से डरते हैं। उसी तरह से ये जो फियर है ये भी 3 दिन के लिए रहने वाला है, और जब तक हम गोली मारते रहेंगे, यानी कि हम एक्शन लेते रहेंगे, एकदम करते रहेंगे, एक्शन करते रहेंगे, तो 3 दिन में 4 दिन में 3 बार एक्शन लिया, 10 बार एक्शन ले लिया उन चीजों से जिन चीजों पे अपने को डर लगता है, तो डर आपे आप निकल जाएगा। तो माय डियर एंटरप्रेन्योर, डोंट फियर, बिल्कुल डरना मना है और डर के आगे जीत है। यही मेरा ये फ्राइडे का मैसेज है। अगले फ्राइडे फिर एक कैप्सूल लेके मैं आपके सामने हाजिर होने वाला हूँ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर वॉट एवर यू डू। और आप ये जानते हैं कि लगातार मैं नए नए वीडियोस को अपलोड करते रहता हूँ मेरे यूट्यूब में। मेरी दिली तमन्ना है कि आप मेरे हर वीडियो को सब्सक्राइब करें, आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ये कैप्सूल्स को देखते रहिए और अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और नयापन लाते रहिए। मेरे को आप फॉलो कीजिए फेसबुक में और इंस्टाग्राम में, और यहाँ से आप मेरे भागीदार बनिए। मैं तो 136 तक जीने वाला हूँ, अनदर 79 ईयर्स, और नई नई चीज़ें करते रहने वाला हूँ और आपसे करवाते रहने वाला हूँ। तो मेरे साथ मेरे कम्युनिटी में जुड़ के रहिए, मेरा स्टेप अप कम्युनिटी, स्मार्ट टाइगर एंटरप्रेन्योर परिवार कम्युनिटी से जुड़े रहिए, और जुड़े रहने की वजह से, मेरे साथ जुड़े रहने की वजह से मैं तो आगे बढ़ूंगा, आप भी आगे बढ़ेंगे, मिलके सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे और गहराई से उतरेंगे और बिंदास काम करेंगे
और डर पे जीत को लगातार जीत हासिल करते हुए डर को हराते हुए हम दोनों आगे निकलेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।